मैम यहाँ पे थोड़ा पीछे जो भी आगे मैम यहाँ पे मैम भाई थोड़ा सा लेफ्ट में करो ट्रेन में मैम यहाँ पे मैम सामने सामने आपने काफी समय शेफ के साथ क्या कुछ कहना चाहोगे इस दौरान सबसे अच्छी बात क्या लगी और उनका कलबट्टी भी है? शिव को मैं बिग बॉस से जानती थी और मेरे मॉम डैड माय होल फैमिली शिव के फैन थे बिग बॉस से और लेकिन शिव को मुझे खतरों में एक्चुअल में जानने को मिला तो आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट वी आर फ्रेंड्स नाउ और शिव की जितनी भी पूरी फैन फॉलोइंग है और जितनी भी आरती है और शिव के फैंस हैं उन लोगों ने एक हैशटैग निकाला है कॉल ओनली शिव ठाकरे मैटर्स। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसे इतना प्यार मिलता है और अपने फैंस से भी और अपने दोस्तों से भी। सो आई जस्ट वांट टू से हैप्पी बर्थडे शिव, अल्लाह आपको खूब तरक्की और कामयाबी दे और आपकी उम्र दराज हो, आमीन। एंड हैशटैग ओनली शिव ठाकरे मैटर्स। ओके, टॉप 4 में शिव ठाकरे आपके जानकारी के लिए आप मैं तो बहुत ही खुश हूँ। मैं चाहूँगी कि शिव शो भी जीते और अर्जित भी है शो में, दीरो है, मैं चाहूँगी कि सभी जीते। पता नहीं क्या होने वाला है, फिनाले का वेट कर रही हूँ। सो या आई जस्ट विश शिव ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर एंड थैंक यू। अगर बात करें, आपने काफ़ी बड़ा राज खुल चुके हैं, पारस के आपने बताया, उस राज के पीछे आगे क्या होने वाला आपने डैड उनको बता दिया, असली डैड कौन है, उनके फैमिली कौन है वो बता दिया। अच्छा हाँ, तो वो तो बहुत ही पहले बताया था लेकिन अभी प्लान ये है कि श्रद्धा ऐसे प्रीता को ना पता चले, उसकी यादाश्त वापस मैंने चाहती थी उन्हें चीज़ें याद आए और जैसे उनके ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं और बाकी सबके लिए आपको वॉच होने का। अरे क्या हो गया उधर?